आपको रास्ता नहीं पता, अभी वीर सागर भाई वीडियो कॉल में लगे हैं, भाभी से मिल चुके हैं और उनका घर द्वार सब देख चुके हैं, काफी अच्छा लगा हमें। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? अच्छे होंगे शायद गाइस, तो मैं अभी हूँ थोड़ा वो ठीक, तो स्वागत करता हूँ हमारे नए ब्लॉग में। गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे अखीज ब्लॉग सुगमा में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस मैं पिछले कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, कुछ रीज़न है बस नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं पिछले 10 दिनों से घर से भी बाहर नहीं निकला हूँ ठीक ढंग से, तो क्या ही बोलूँ। आज सागर भाई ज़बरदस्ती कॉल करके गर्लफ्रेंड से मिलाने का वादा किए हैं, तो तभी मैंने हाँ किया और आज सोचा चलो उठाते हैं फोन और बनाते हैं ब्लॉग। तो गाइस सागर भाई का आया कॉल और हमको बोला चलो भाभी से मिलने चले, तो हम भी तैयार हो चुके हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी भाभी जी से मिलने, यानी कि हमारे प्यारे से सागर भाई की वाइफ, हमारी भाभी। तो चलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जल्दी जल्दी जाएंगे और भाभी से भी रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि हमारे ब्लॉग में आए, अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे दूर से कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से चलते, अभी लगभग 4 बज रहा है, तो हम लोग लगभग 5:30 तक पहुँच जाएंगे, यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए चलते काली मेला सागर भाई की गर्लफ्रेंड से मिलने, यानी कि हमारी भाभी जी से मिलने। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी भाभी जी से मिलने के लिए निकल चुके हैं, मलकानगिरी अब पहुंच चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो वे घर के जो पीछे है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा अद्भुत एयरपोर्ट बनने वाला है गाइस, जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। जो एक घर के ना पीछे है गाइस, क्या ही बोले, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो गाइस पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था शिव मंदिर यहाँ पर, वही शिव पहाड़। तो गाइस ये बहुत बड़ा पुल है गाइस, इसके नीचे से था पहले पुल, अभी ऊपर से बनाया गया है। बहुत ही सुंदर रोड और बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस, देखने में दिल खुश हो जाएगा आपका। तो दोस्तों हम पूछते पहुंच चुके हैं ये सुनसान सड़क में गाइस, हम लोग को रास्ता नहीं पता, अभी वीर सागर भाई वीडियो कॉल में लगे हैं फिलहाल, तो वीडियो कॉल से डिटेल और जानकारी निकाल लेते हैं। 37 नंबर कुछ है जहाँ हमको जाना है, तो गाइस अपन अभी चलेंगे वहाँ पर। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हमको रास्ता पूछते पूछते रास्ता तो नहीं मिला, तो चलिए शायद सागर भाई को रास्ता मिल चुका है, पहले पूछ लेते हैं सागर भाई को रास्ता मिला है कि नहीं भाई। मिल गया रहता है। तो गाइस रास्ता मिल चुका है, अभी हम आगे जाएंगे, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। दोस्तों ये सामने जो है हमारे भाभी जी का घर हम पहुँच चुके हैं, और हमारे हाथ में है पानी का बॉटल, जो बहुत गर्मी था तो थोड़ा बहुत मुंह धो लेते हैं गाइस। तो मुंह धोने के बाद देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, अंदर से थोड़ा सा अच्छा। तो गाइस अब मुंह पोंछ लेते हैं, तो चलते हैं अंदर घर के अंदर। तो दोस्तों हम अपनी भाभी से मिल चुके हैं और उनका घर द्वार सब देख चुके हैं, काफी अच्छा लगा हमें, क्या ही बोले। अब सागर भाई की खुशी सागर भाई जानते हैं, तो एक ट्विस्ट था, अभी हम लोग को यहाँ से 65-70 किलोमीटर दूर जाना है, तो हम लोग निकल चुके हैं। तो गाइस क्या बोलूँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि हमारी कोई भाभी ही नहीं है कोई भाभी नहीं है, मैं सरप्राइज मतलब ऐसी मस्ती कर रहा था। ऐसे अपन लोग घूमने आए थे, तो ब्लॉग को थोड़ा एंटरटेनिंग बना रहा था। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताना, अभी हम लोग को यहाँ से 65-70 किलोमीटर दूर जाना है, तो फटाफट निकलते हैं गाइस वरना यहीं पर रात हो जाएगा। तो उसके लिए भाई चलते हैं।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने सुकमा जिला में। तो गाइस जैसे ही हम पहुंचे बहुत तेज हवा तूफान के वजह से हो गया था लाइट गोल, तो सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे थे घर। तो ये रहा हमारा प्यारा सा गड़ी चौक। तो हमें कालू भी मिल गया, कालू ने गुरु था ये। तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे, तो अपन भी चलते। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दोस्तों जैसे तैसे हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर। और कैसा लगा हमारा आज का थोड़ा सा मजाक कमेंट करके जरूर बताना। अगर मजाक थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज हम इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय।